बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और प्रोग्रामिंग में किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आप इतने सिंपल प्रोग्राम्स नहीं बनाने वाले कि जस्ट आप कोई वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करवा देते हैं, आप दो वैल्यूज को जमा कर देते हैं, एक वैल्यू को दूसरे में से माइनस कर देते हैं। आगे चल के हमें ऐसे प्रोग्राम्स बनाने हैं जिसमें हमारा प्रोग्राम खुद से कोई डिसीजन लेता है, कोई फैसला लेता है। और जब वो कोई डिसीजन लेता है हमारा प्रोग्राम, वो किसी लॉजिक की बेस पे लेता है, किसी कंडीशन की बेस पे लेता है। इट मींस कि हम ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे जिसमें कोई कंडीशन इम्पोज की जाएगी और उस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने की सूरत में हमारा कोई ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा या स्किप करेगा। फिल वक्त ये बात आपको कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि हमने ये बात अभी बहुत आगे चलकर पढ़नी है, तकरीबन नेक्स्ट चैप्टर से भी नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़नी है। लेकिन हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को उस वक्त तक क्लियरली समझ नहीं सकते जब तक हम इस बात को ना समझ लें कि इनका इस्तेमाल आखिर क्या है। तो लेट्स से कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, इंट ए एंड बी। आप कहते हैं ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 5। लेट्स से आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो इन दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करे, और अगर ए वेरिएबल की वैल्यू बड़ी हो बी वेरिएबल से तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए कि वेरिएबल ए इज लार्जर, और अगर वेरिएबल बी की वैल्यू बड़ी हो वेरिएबल ए से तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए कि वेरिएबल बी इज लार्जर। इन दैट केस आपको एक कंडीशन इम्पोज करनी है, और वो कंडीशन जो है वो बेसिकली इवेल्युएट होगी ट्रू या फॉल्स की सूरत में। तो हमें जो रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करने हैं, हम देख लेते हैं कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हम अपनी कंडीशंस के अंदर यूज करते हैं, और मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है इसमें बना के दिखाता हूँ। हमें अभी इफ स्टेटमेंट्स को डिस्कस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक हम कंडीशन की बात ना करें। तो मैं कहता हूं कि अगर ए बड़ा हो बी से तो मेरी जो कंडीशन होगी वो इफ स्टेटमेंट के साथ चलेगी। तो यहां पे मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फिर ये फॉल्स हो सकती है। अगर आपके ग्रेटर देन के साइन के लेफ्ट साइड पे मौजूद वैल्यू बड़ी है राइट साइड पे मौजूद वैल्यू से, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर आपके लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी है तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कहते हैं इफ ए इज लेस देन बी, तो इस सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो कि अब हम वैल्यूज असाइन कर चुके हैं, ए को 10 की वैल्यू दी हुई हमने और बी को 5 की, तो हम कह रहे हैं ए इज लेस देन बी, इसे इवेल्युएट करो। अगर ऐसा हो तो आपके ख्याल में क्या ये जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है? हमारे लेस देन के जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है अगर वो छोटी होगी तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स पे चली जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप दो वैल्यूज को इक्विवेलेंट चेक करना चाहते हैं, इक्विवेलेंसी, आप कहते हैं इफ A is equal to B। Equivalency चेक करने के लिए आप हमेशा डबल इक्वल साइन यूज करते हैं, क्योंकि सिंगल इक्वल साइन जो है itself एक ऑपरेटर है जो कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से उसको जानते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो डबल इक्वल साइन की मदद से आप चेक करते हैं कि क्या दो वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। तो आप बताइए क्या ये कंडीशन ट्रू पे कंक्लूड होगी या फॉल्स पे? डेफिनेटली ये फॉल्स पे कंक्लूड होगी, क्योंकि ए में मौजूद है वैल्यू 10 और बी में मौजूद है वैल्यू 5, ये दोनों वैल्यूज इक्विवेलेंट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कहते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, अब इसमें आप दो तरह से इवेल्युएट कर रहे हैं कि अगर ए बड़ा हो बी से या फिर ए बराबर हो बी के, तो फिर ये कंडीशन दोनों सूरतों में ट्रू होगी। इट मींस ये कंडीशन ट्रू होगी इन टू केसेस, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तब भी ये ट्रू होगी, और अगर ए इज इक्वल टू बी तो भी ये कंडीशन ट्रू होगी। दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो ओवरऑल ये जो कंडीशन है वो ओवरऑल इवेल्युएट होगी एज ट्रू। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कहते हैं ए इज लेस देन और इक्वल टू बी,
अब इस सूरत में दो आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है, बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर तो एक ही है लेकिन ये दो ऑपरेटर्स को कंबाइन करके बनाया गया है। तो अब अगर ए छोटा होगा बी से या अगर ए बराबर होगा बी के, दोनों सूरतों में ये कंडीशन हमें इवेल्यूएट करवाएगी कि ये कंडीशन ट्रू है। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्विवेलेंट नहीं है, तो फिर आप नॉट इक्वल टू का रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो अगर हम कहें ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये कंडीशन ट्रू उस सूरत में होगी अगर ये दो वैल्यूज एक दूसरे के इक्विवेलेंट ना हो। तो करंट सिनेरियो में देखते हुए ए में 10 स्टोर है और बी में 5 स्टोर है, तो ये कंडीशन हमें लेके जा रही है ट्रू रिजल्ट की तरफ। तो व्यूअर्स स्टूडेंट्स, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो टोटल 6 हैं, ग्रेटर देन का ऑपरेटर, लेस देन का ऑपरेटर, इक्वल टू का ऑपरेटर जो कि इक्वालिटी को चेक करने के लिए है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू।